लेकिन डॉक्टर्स को नहीं मिल पा रही। उसकी वजह यह है कि जैसे पूरे सिंध में इतने डॉक्टर्स जामशोर हो, पता नहीं क्या क्या है, वो बेचारे जैसे हमारे यहाँ सिटी कोर्ट के बाहर लॉयर्स ही बैठे हुए होते, उस तरह से डॉक्टर्स फारिग बैठे हुए, काम नहीं है उनके पास, तो बहुत बुरा हाल है। तो इस वक्त दो प्रोडक्ट How दुर्लभ many थे। people do you think are unemployed in doctors? Like how many thousand आई doctors? हैव नो आइडिया, बट Wild guess. या कुड बी इन सेवरल थाउजेंड, 10,000 plus. आराम से, बहुत आराम से। क्योंकि हो क्या रहा है कि पहले बेचारे वो लोग लड़ते झगड़ते हैं सीट लेने के लिए, सीट मिल जाती है, पास करके चीटिंग करके निकल आते हैं, क्योंकि कैलिबर वो नहीं है ना। हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन हम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब क्वालिटी नहीं होगी तो कोई बड़ा हॉस्पिटल से उनको एज RMO भी नहीं लेगा, तो इसलिए वो बेचारे फिर रुलते रहते हैं सड़क पे। अच्छा, इस जो प्रोडक्ट पहले इसकी बात कर लें जो यूथ का है, इसमें हमारे पास ऐसा होगा कि हमको स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन लाइन खड़े करने, जिसमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, आपका मोबाइल सर्विस ऑपरेटर, आपकी IT की, हमको बैकएंड और एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है मोबाइल के लिए, जिसमें प्रोडक्ट्स डले हुए हों, प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे, और उस एप्लीकेशन को हम बैंक के ATM सर्वर से लिंक कर दें ताकि ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट हो जाए। उसके अलावा कुछ वैल्यूएडेशन कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट फॉर द लो एंड कस्टमर, तो यहाँ पे जो अलियंस है उनसे मेरी बात हुई है, पाक कतर से बात हुई है, जो तकाफुल है, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमाइज करके कि जितने हम इस्लामिक प्रोडक्ट्स डाल सकें उतने डाल दें। जहाँ पे हमको फील होता है कि इस्लामिक प्रोडक्ट्स का स्कोप नहीं है उतना, क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग में हमको ऐसा बैंकिंग पार्टनर चाहिए जिसकी ब्रांच नेटवर्क बड़ा हो, क्योंकि कैश कलेक्शन अगर पूरे पाकिस्तान लेवल पे हो रही है तो अलबरका जैसे है, अलबरका की 30-40 ब्रांचें हैं, उसको आप रीच आउट नहीं कर सकते, तो इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक नेशनल बैंक, हबीब बैंक, एलाइड, क्योंकि इसमें हमको ये सोचना है कि हम इस वक्त एक फलाही काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे What's the जहन product? यार, हमारा जो फेज़ वन में अभी क्योंकि फाइन ट्यून करना पड़ा पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ केनिया में तो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स, उन चीज़ों में काम कर रहे थे, बेडशीट्स में, कर्टन्स में, टॉवल्स में। पाकिस्तान में हम स्टार्ट ले रहे हैं फूड कमोडिटीज़ के साथ, जिसमें राइस, शुगर, फ्लावर, एडिबल ऑयल, आपके दालें, मसाले, ये चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही है, और इनकी अगर हम प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज करके बल्क प्रोक्योरमेंट शुरू करें और इसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह कर लें कि इनको हम हर इलाकों में पहुंचा सकें, हमारा दो ऑब्जेक्टिव होंगे। एक तो ये एटलीस्ट कि ये बच्चे जो हैं इनको 10% ट्रेड मार्जिन मिल जाए ऑन ईच साइकिल, और कंट्रोल प्राइस होगी, ओवर चार्ज करेंगे तो कंप्लेंट मिलेगी, हम उनको डिसकंटिन्यू कर देंगे उनकी मेम्बरशिप। और दूसरा एडवांटेज ये होगा कि हम एंड कंज्यूमर को ये बेनिफिट पास ऑन कर रहे होंगे कि वो अपनी कम्युनिटी में ही जाके काम करे, ताकि उसको सपोर्ट भी मिलेगी और चीज़ जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच भी जाएगी। इसमें पहले ये सोच रहे थे कि हम इसमें So the product is that I can buy rice through you. So जी what's the process going to be? देखिए, इसको इस तरह करना होगा कि मैं पूरा आपको पहले समझा दूँ प्रोडक्ट, एक्चुअली वाइट ब्रोसर आसानी से काम हो जाता। आपने कुछ सालों पहले सुना होगा जब तक तो मुशर्रफ साहब थे कि एक प्रेसिडेंट रोज़गार स्कीम आई थी इस्लामाबाद में, और वो यूटिलिटी स्टोर के साथ लिंकअप थी। दैट वाज माय प्रोजेक्ट, एक्चुअली आई वाज वर्किंग डायरेक्टली विद हफीज़ शेख, जो बिल्कुल टोटली रीवैम कर रहा था यूटिलिटी स्टोर्स को। उस वक्त मैं उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हो गई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको रोक दें, तो वो नेशनल बैंक के साथ वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे हम रोज़गार स्कीम का। उसमें रिक्शे भी कुछ हुए, CNG रिक्शे हुए, लेकिन फिर वी कुडंट मूव ऑन।
आपने देखा होगा कि जो पुराने इलाकों में जो सिगरेट की गाड़ियाँ होती हैं वो ट्राईसाइकिल होती है, दो पहिए आगे होते हैं, एक पीछे होता है और एक बड़ा सा कार्गो बॉक्स लगा हुआ होता है। उसमें तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का सामान आ जाएगा, हमारा ये आटा दाल चावल चीनी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्पॉन्सरिंग बॉडी होगी, जैसे अगर हम TCF की बात करते हैं या हुनर की बात करते हैं, ये अगर अपने बच्चे हमको देते हैं, एक बात तो ये कि कॉर्पोरेट गारंटी देंगे कि ये बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड की वो जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि वो बच्चा उनके साथ 7-8 साल से है, तो हमको इसकी हिस्ट्री मिल रही है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बैंक को सिक्योर करने के लिए कि हम ओपन रिस्क नहीं ले रहे, हम बहुत कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं, कि रिस्क मिटिगेट भी कर रहे हैं और कहीं रिस्क है तो उसको हाईलाइट करके प्लग भी कर रहे हैं। सर, हर बच्चा 10 हज़ार रुपये लेकर आएगा ऐसी कैपिटल। बैंक से बात हुई है कि बैंक हमको बिटवीन 15 एंड 25 थाउजेंड पर बच्चा दे विल गिव एज अ ट्रेड क्रेडिट। तो 25 से 30-35 हज़ार के बीच में एक बच्चे के पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ये जो साइकिल इसकी बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये की बनेगी। तो अगर आप ये लगा देते हैं तो हमारे पास 20-25 हज़ार रुपये बच जाएंगे ट्रेड की इन्वेंट्री के लिए। इसमें इस तरह होगा कि उसके पास तो 10 हज़ार रुपये का माल होगा, लेकिन क्योंकि आपको पीछे से भी प्रोक्योरमेंट का साइकिल बनाना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक माल दे दिया अब आप वेट कर रहे हैं कि पैसा दोबारा आए और फिर आप नया माल लें। तो आपका पैसा जितना उसकी गाड़ी में होगा उतना ही आपको पीछे सप्लाई चेन बनाने में चाहिए। 10 से 15 हज़ार रुपये का अगर माल है उसके पास, तो वो एवरी सेकेंड डे एक टर्नओवर अचीव कर सकता है। जिन इलाकों में काम कर रहा है, हमारे पैक साइज भी ऐसे हैं जो कि उन इलाकों में 1/4 किलो हो गया, 1/2 किलो हो गया, वो जो उनकी अपनी बजट के हिसाब से, क्योंकि उन इलाकों में लोग मंथली बाइंग नहीं करते ग्रोसरी की, वहाँ पे वो कुछ लोग होते हैं वो डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, कुछ हफ्ते में 2 बार, कुछ हफ्ते में 1 बार, डिपेंड करता है कि उनको वेजेस किस तरह मिल रहे हैं। तो हमने उसके पैक्स भी बहुत ख्याल करना है छोटे करके कि वो आराम से ख़रीद सके। अगर हम इस बच्चे का ये कोशिश कर लें कि वो हफ्ते में 2 टर्नओवर भी कर लें, 3 ना करें, तो भी इंशाल्लाह वो 25 हज़ार रुपये महीने के बना सकता है। और इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल आप उस तरह समझ लें कि अगर 1,000 बच्चे हैं, ज़्यादा हम बड़े ना करें अपने आप को, क्योंकि मैंने पहले साल का टारगेट 1,000 रखा है, ज़्यादा कर लें। और होता क्या है कि प्रोजेक्शंस को तो आप कुछ भी कर लें, मैं जस्टिफाई भी कर दूं, लाइक इस वक्त TCF ने मुझे कहा है कि दे कैन गिव मी 10,000 बॉयज़ विद इन अ नोटिस ऑफ 3 वीक्स 4 वीक्स, कि इतने बच्चे 18 साल की उम्र के क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन वो करने के लिए मुझे बैकएंड सपोर्ट चाहिए, मैं उसको एकदम से नहीं घुसा सकता। तो हम अगर पायलट प्रोजेक्ट के लिए 1,000 बच्चे भी पकड़ते हैं, तो 1,000 बच्चे अगर 10 हज़ार रुपये सी कैपिटल से काम कर रहे हैं और अगर वो 2 दफ़ा भी पैसा घुमा रहे हैं, तो वो तकरीबन आप समझ लें कि 20 करोड़ रुपए हफ्ते के हो गए टर्नओवर में, जो कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन महीने का हो गया। तो दिस इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट। हमने बैंक्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई, उन सबको हम इस तरह से लेके चल रहे हैं कि उनको ये दिखा रहे हैं कि जी आपने बिजनेस वेंचर की तरह से इसको लेना है, ताकि सीरियसनेस भी रहे और हम उनसे कोई फेवर ना मांग रहे हों। हम क्वालिटी, हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब ऐसा रखेंगे कि कल को अगर कोई परफॉर्म नहीं करता हम निकाल के बाहर करके दूसरा ले आए, लेकिन हम किसी अगर हम उनसे फ्री में काम करा रहे होंगे तो ऑब्वियसली मैं उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता कि आपने ये चीज़ पूरी नहीं करी तो लिहाजा हम कल से चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उनको जो उनका रिक्वायरमेंट है उनसे ये कह देंगे भाई कि ये कम्युनिटी सर्विस है, अगर आप किसी से 100 रुपये लेते हैं हमसे 90 रुपये ले लीजिए। इट्स अ सोशल एंटरप्राइज, सोशल एंटरप्राइज। तो ये है बेसिकली अभी बच्चों के लिए। तो ठीक है, इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस बिल्ट इन कर दिया कि जो बच्चा सक्सेसफुली 3 महीने काम कर लेता है तो फिर अलियांस के थ्रू उनकी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज उनकी उनकी फैमिली की हो जाएगी।
तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पैकेज करके वैल्यू एडिशन कर सकें, कि उनको ये लगे कि यार उनके बेटा पानी उनका उठ गया एक फ्यूचर हम डेवलप कर सकते हैं। ना बेटा, लतीफ लतीफ एक प्लास पानी का और ले आना, दो और ले आना। तो ठीक है, ये हो गया बच्चों।